नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डिजी स्टडी क्लास में। दोस्तों, रोज की तरह मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए आपका अपना फेवरेट शो डेली डोज लेके। दोस्तों, सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ लाइव अपडेट के साथ डेली डोज, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो जो भी बंदे हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम आपके लिए सुबह सुबह बहुत मेहनत करते हैं। हमारी पूरी टीम मेहनत करती है, अच्छे से कंटेंट लेके आती है, वीडियोस लेके आती है उनके ऊपर। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, बिकॉज आपके लाइक्स आपके लिए मैटर नहीं करते, हमारे लिए भी बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन बेल आ रहा होगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन को ऑन कर दें या आपकी सब्सक्रिप्शन बटन ऑन कर दें, ताकि हमारे जो भी ऑल न्यू वीडियोस या अपडेट्स हमारे आते हैं प्रेस अपडेट, क्योंकि हम लोग केवल करंट अफेयर्स पे नहीं, हम लोग हर एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्ज़ाम पे हमारा फुल फोकस रहता है, ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाएँ और आपका सिलेक्शन तक ले जाएँ। हम पढ़ाएँगे वही जो एग्ज़ाम में होगा सही। ठीक है, और हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते देखते आज के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उनके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, जो आपका जो करंट अफेयर है वो आज के हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो आपका जो पहला करंट अफेयर है, विच ऑफ द फेमस पर्सनालिटी ऑफ एशिया टॉप्स द हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपिस्ट लिस्ट ऑफ डोनेशन ऑफ 437 करोड़। देखिए क्या होती है, एशिया में एक आपका हुरान होता है, हुरान इंडिया फिलेंथ्रोपिस्ट लिस्ट। इसमें क्या होता है कि आपके जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। अब डोनेशन किससे करते हैं, गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चे जो होते हैं आपके, या वृद्धा वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं, तो इनके लिए डोनेट करते हैं। तो क्या अजय पीरामल कौन है, अजय पीरामल पीरामल ग्रुप के मालिक हैं। आदित्य बिरला सॉरी आदित्य बिरला क्या है, आदित्य बिरला ग्रुप के हैं। मुकेश अंबानी किसके हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। रतन टाटा किसके हैं, टाटा इंडस्ट्रीज़ के। तो जो आपका आपका जो टॉप किसने किया है, 437 करोड़ रुपीज़ डोनेट किए हैं, वो किसने किए हैं आपके, मुकेश, श्री मुकेश अंबानी जी ने किए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी। सेकंड नंबर पे कौन है आपके, अजय पीरामल जी, जिन्होंने 200 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, तो आप टॉप टू याद रखिए, वैसे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो टॉप फर्स्ट पूछा जाएगा, कभी भी टॉप सेकंड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु लॉन्च द लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस बुक। आपकी जो ये बुक है लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस बुक, ये किसने की है, क्या वो पी एन फगवटिस हैं, सुरेश कुमार हैं, आईएस नैयर है, या आपके हैं विवेक कुमार जी, या डी आपके हैं विवेक जी। तो आपको बताना है जो आपकी बुक है वो किसने लॉन्च की है, लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस बुक किसने लॉन्च की थी, ये क्या आपकी पी एन भगवती जी ने लॉन्च की आपके। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि ए आंसर क्या है आपका, करेक्ट है, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज सेलेक्टेड एज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट। अबू धाबी कहाँ पे है, सऊदी अरबिया में, कहाँ पे है, सऊदी अरबिया में। ठीक है, तो वहाँ पे थर्ड लैंग्वेज कौन सी रखेगी, जो जुडिशियल डिपार्टमेंट में आप ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज आप रखी गई है, तो कौन सी है वो, क्या वो उर्दू है, क्या वो हिंदी है, क्या वो संस्कृत, क्या वो इंग्लिश है। तो आपको बतानी है कौन सी रखी गई है, ठीक है, थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मैं बता दूं आपको, थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपकी रखी गई है वो रखी गई है हिंदी। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि सऊदी अरबिया में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा हिंदी रखी गई है। ठीक है, हिंदी से याद आया कि आपकी उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, एक है आपकी हिंदी और दूसरी है आपकी उर्दू। उर्दू कब लिया था हमने, 1989 में हमने लेके आया था किसको, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी मेडिकल इक्विपमेंट्स ऑफ ड्रग अप्रेज्ड बाई हेल्थ मिनिस्ट्री। जो आपके देखिए हमारे क्या, हमारे देश में क्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग भी ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो इससे क्या हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है तो हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो कितने इक्विपमेंट्स पता है कि हमें लेने हैं इस साल, जिससे हमारा क्या होगा, बेटरमेंट हो पाएगा हेल्थ में, कैंसर डिजीज में हेल्प हो पाएगा, और भी डिजीज़ हैं, हमें अपने आप को क्या कहते हैं पैरालिसिस से फ्री करना है, और टीबी से हम लोग फ्री हो चुके हैं,
टोबैको खाने वालों को कम करना है, कैंसर के इलाज को कम करना है, तो और भी बहुत सारे हैं चीज़ें जिसमें हमें कम करना है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, 8 मशीन्स यानी 8 इक्विपमेंट्स हम लोग बना रहे हैं, खरीदेंगे बाहर से। नेक्स्ट है, विच रीजन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज जम्मू एंड कश्मीर थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। जो आपका आपका थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर के 2 डिवीज़न है, पहला आपका जम्मू और दूसरा श्रीनगर, ये आपके 2 डिवीज़न है। मैं सही से लिख देता हूँ, एक है आपका जम्मू, ठीक है, दूसरा है आपका श्रीनगर, ये आपके 2 डिवीज़न है एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। अब आपका थर्ड रीज़न भी जनरेट किया गया है, विच रीज़न हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज जम्मू कश्मीर थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, जहाँ पे आपका कोर्ट वगैरह बनेगी, तो वो कौन सा किया गया है, क्या वो लद्दाख किया गया है, क्या वो लेह किया गया है, क्या वो पुलवामा किया गया है, जम्मू की किया गया है, तो वो किया गया आपका लद्दाख किया गया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पीएम ले फाउंडेशन ऑफ 400 करोड़ प्रोजेक्ट्स। 400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट है आपका, पीएम में कहाँ पे उसका शुरुआत की है, फाउंडेशन की है। देखिए आजकल हम लोग नॉर्थ ईस्ट पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में कोई डाउट हो तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई स्टेट दे रखा है तो अनडाउटली उसे टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सब फुल फोकस है नॉर्थ ईस्ट को क्या करना है, अपने कब्जे में लेना है। क्योंकि क्या है, चाइना क्या कर रहा है, देखिए ये जो इलाका है हमारा, ये आपका ऐसा ऐसा कुछ नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ से हल्का सा टच होकर ऐसे फिर ऐसे चला गया इंडिया का, तो यहाँ से क्या करना है, यही आपका सियाचिन आपका वो बॉर्डर है यहाँ पे इंडिया और चाइना का। तो चाइना क्या कर रहा है, इसी पार्ट को अगर चाइना कब्जा कर लेगा तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो टूट के चला जाएगा चाइना के पार्ट में, ठीक है। तो इस पे जो कोशिश कर रहा है वही कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। तो इसलिए क्या हम लोग अपना नॉर्थ ईस्ट पूरा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट है हमसे टच में रहे। तो जो आपका पीएम, जो पीएम ने भी इसीलिए जो 400 करोड़ का जो किया है वो कहाँ पे किया है, वो किया है अरुणाचल प्रदेश में, डी किया है अरुणाचल प्रदेश में। अभी आपको रिसेंटली पता होगा बोगी बिल बना था, कि ये कहाँ पे था, अरुणाचल प्रदेश में था बोगी बिल। ये क्या था, डबल डेकर था, ये डबल डेकर कितने का, 4.9 किलोमीटर का था, और ये कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया था, ये बना था आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच फेमस पर्सनालिटी रोड द बुक अनडॉन्टेड सेविंग, अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। तो किस फेमस पर्सनालिटी ने बुक लिखी है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। देखिए आपको बता दूं, जो आपको एकदम बिल्कुल अलग थलग से लगेगी, जिसमें जिसकी मीनिंग समझ आएगी, जैसे पैराडॉक्सियल डर प्राइम मिनिस्टर, जिसकी आपको मीनिंग समझ आएगी, ऐसी किताबें कौन लिखते हैं, शशि थरूर लिखते हैं। तो ये याद रखिएगा, ऐसी जब भी उल्टी सीधी जो किताबें होती हैं आपको शशि थरूर लिखते हैं, शशि थरूर जी काफ़ी टफ होती है इनकी लैंग्वेज, इनकी इंग्लिश बहुत टफ रहती है। और पी चिदम्बरम जी ने लिखी है, सौमित्र चटर्जी, सत्यजीत राय, ये सारे क्या है, राइटर है। तो आपकी जो किताब लिखी है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, वो लिखी है आपकी पी चिदम्बरम ने लिखी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन विच द वर्ल्ड पल्स डे, वर्ल्ड पल्स डे आपका कब सेलिब्रेट मनाया जाता है। जो विश्व दाल दिवस है, दाल बोल सकते हैं, पल्स मतलब दाल, वो कब मनाया जाता है, क्या वो 11 तारीख है, क्या वो 12 तारीख, क्या वो 10 या 9। तो जो आपका विश्व दाल दिवस है वो मनाया जाता है 10 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे द नेशनल डी वार्मिंग डे इज सेलिब्रेटेड। डी वार्मिंग डे जो होता है आपका, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। देखिए जो 10 तारीख है वो वर्ल्ड पल्स डे है, यानी कि दाल का दिवस होता है, लेकिन जो इंडिया मनाते हैं नेशनल डी वार्मिंग डे मनाते हैं हम लोग, कब लोग मनाते हैं, 10 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब इंडिया सेलिब्रेटेड द नेशनल डी वार्मिंग डे क्या होता है, द नेशनल डी वार्मिंग डे इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस, का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट का इंडिया को होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि आपको जो प्री स्कूल और स्कूल एज चिल्ड्रन है बिटवीन 1 to 19 ईयर्स थ्रू द प्लेटफॉर्म स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल, उनकी क्या करना है आपको, आपको उनका हेल्थ को बढ़ाना है, न्यूट्रिशन को बढ़ाना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना है, अकॉर्डिंग टू किसके, WHO के अकॉर्डिंग हिसाब से, WHO के हिसाब से 241 मिलियन चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 1 और 14 आर एट रिस्क ऑफ पैरासिटिक इंटेस्टिनल वॉर्म इन इंडिया। जो आपके 24 लाख लोग हैं वो लोग क्या बीमारी से जूझ रहे हैं इंडिया में, जो कि किससे हो रही है, सॉइल ट्रांसमिटेड हो रही है, जैसे सॉइल से ट्रांसमिट हो रही है। अब सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्थ मीन्स क्या क्या है, आप कैन बी लीड क्या क्या बढ़ सकता है इससे, आपके अनीमिया बढ़ सकता है, मल न्यूट्रिशन हो सकता है, आपको
मेंटल और फिजिकल कॉग्निटिव हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, रिड्यूस्ड स्कूल पार्टिसिपेशन, आपका स्कूल मन ना लगे और भी कहीं मन लगे। तो इसके लिए क्या लगाया गया है, हम लोग 10 तारीख को क्या मनाते हैं, 10 तारीख को हम लोग मनाते हैं इंडिया इंडिया नेशनल डीवॉर्मिंग डे, कब मनाते हैं 10 फरवरी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट इंडिजिनस डेवलप मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। तो ये किसने किया, उड़ीसा ने किया, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, जल्दी पढ़ दिया लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, यानी कि FSDR इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल है, ये कहाँ पे टेस्ट किया गया है। तो ये किया गया आपका उड़ीसा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दोस्तों ये इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।